जुको ना लेन देन रेट है ना फिक्स रेट है वो फाइनल रेट करो या ना करो क्या चीज है वो क्या सामान है भाई और सागर देगा ना सागर तुम चालक हो गए सागर तुम आप चालक हो गए नहीं जमीन जमीन सागे बिकनो बड़े लो देख भाई गगन पूछोगे दोनों जाशो वो क्या सामान है क्या काम आवे वो सागे जाएंगे जमीन के वो है के समान है लो जी ये लगा हुआ पंजीरी बताओ मैंने पंजीरी ए पंजीरियां है के ये पंजीरी है हां पंजीरी है अच्छा ये चावल की पंजीरी है तो एक कितना दिन में तैयार होयो ओ पंजीरी है जी पौधे जी की ये 21 अच्छा 20 25 दिन में तैयार हो जाए बहुत ज्यादा बद है नहीं अच्छा तो आती बद तो ओ सारो लगा देना बाकी के काम आसिया कोई ले जी तो फरी फोकड़ में ले जी नहीं तो किया है ना माँ बाग नक्की करोगा रिंग माँ भेज दूंगा और अच्छा ये मेन मेन पट लेगा माँ और लगा दूंगा ठीक है ओके ओके ठीक है अच्छा ये पग कौन गड़े के सार दिन लगाया रखो थे पड़े माँ फिर है तो के गलत के हिसाब लगाओ थे ना तो फिर कौन यही लगा 3000 रुपये 3000 रुपये बिको अच्छा अच्छा छोड़ गया वाला अच्छा ठीक है अरे घर ही छोड़ दियो और देखो जी ये ट्यूबवेल है बहुत सोहनी जमीन है थे के काम करो एक माँ अच्छा पांची पांती थारी है चार पांती आंगी है ठीक ठीक वो फुली हेड है वो कैसी जो है चावल ढंग हो गया हाँ कि ना पल्ला पड़े जाना थाना कोई दिहाड़ी मजूरी दे देगा ठीक है इन्हें भूख मरना काम कौन होने देनी ठीक है ओ हेलमेट क्या लगा खेत का वहाँ कोई नजर लगाओ हाँ नजर लगाओ ना हेलमेट फिरा दियो खेत ने बहुत तकड़ो काम है नजर लगा दियो अच्छा इन पानी कितना दिन दिए इन्हें इन्हें अब दिए चुके हैं चौल 15-16 दिन पानी वो कितना दिन रुक जाएंगे वहाँ रात में बरसा 5-7 दिन पड़े रहे 5-7 दिन पड़े रहे हैं ठीक है छोड़ तकड़ के सारा जमीन कितनी दूर पड़ जाए छोड़ तकड़ वहाँ अच्छा गांव तो सारे दिखने ला रहे गांव खींचे तो कैमरे का मांग ला रहे गांव तो बारिका मैं 8 किलोमीटर अच्छा अच्छा किलोमीटर और ले लो मैं तो देखो कोई ठिकानों को नहीं मैं तो फिरता फिर वो जमीन ढूंढता ठीक है इन देखा कोई जमीन अड़ी चावल देखा था रहे 40 बीघा में चावल के 30 बीघा में चावल है ठीक है इनमें ट्यूबवेल कितना हाँ पानी बढ़िया अच्छा वही पानी है सागी पानी बढ़िया हाँ तो जमीन तो ठीक है अभी यहाँ की अगर मिक्स मिट्टी जमीन है पानी 15 दिन रुक जाए 10 दिन अच्छा आरामदारी अच्छा अब भी मैं थोड़ा सा किया खाद पानी जैसा नहीं हाँ मैंने तो इस तो रोकना जरूरी है बाद में ना रोको अच्छा अच्छा बाद में तो आप कनक ना लगाओ ना हाँ गिल्लो रखो अच्छा गिल्लो रखो वो किसो चावल है वो मुछल है मुछल है वो महंगो बिके 1-11 बनस्पति वो 1-11 बनस्पति हो नहीं तो इनको रेट ज़्यादा रहे कि रेट रूट तब आई बात है अच्छा जाड़ है सबसे ज़्यादा कौन देगा मुछल ज़्यादा दे मुछल ज़्यादा जाड़ है तो इनमें पानी की थोड़ी कम देने की है कम पानी काम चाल दे नहीं किशन मेरा तो ये है भाई मैं तो हां ये करे खाद पानी पड़े नहीं हां थोड़ा पानी रोकना पड़े
अच्छा बाद में इतनी कौन खींच फिर जरूरत कौन होती और मकान माइन बनाया डो फिर हाँ 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 चलो ठीक है बढ़िया जी ए यूपी के बिहारिया है कि अच्छा यही लगावा ज़्यादातर तो दोनों दूसरा तीनों की तो नॉलेज कौन है जो ना लगाना को ये सूरतगढ़ के पास में है करीबन लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे है और जनरल कैटेगरी की है ओपन रजिस्ट्री है और इसमें जो ने चावल लगा हुआ है जो ना मतलब चावल लगा हुआ है कुछ जीरी बोल देते हैं हरियाणा वाले तो ये पानी भर रखा है इन्होंने मिक्स मिट्टी टाइप ही है ये और अच्छी जमीन पर आज के रेट यही है और डिमांड तो फिक्स रेट ही कर रहा है फिर भी किया हो सकता है रेट रूट में सही से पेपर कम ज़्यादा हो सकता है तो ये ज़मीन है जी किसी भाई को ओपन रजिस्ट्री सूरतगढ़ बेल्ट के अंदर को लेना चाहे तो ले सकता है आने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ को घर से चलो रवानगी लो यहाँ आकर कुछ और देखो तो बोलो यार कुछ और देखा था कुछ और मिला तो ऐसा नहीं है इसके अंदर मैं आपका सारा सिस्टम दिखा देता हूँ ये देखो लगभग ये पास में ही है गांव सूरतगढ़ है बिल्कुल नज़दीक में तो इस प्रकार का व्यू है साइडों में ऐसा सिस्टम है देखो इस प्रकार का सिस्टम है सारा चारों ओर मैं दिखा देता हूँ ये डाणी बनी हुई है इसके अंदर और साइड के अंदर हल्के हल्के टीले भी है कुछ बड़े भी है इस टाइप की ज़मीन बीच में से निकली हुई है कई बार ऐसे हो जाता है कि नहीं यार हो सकता है सारा बेल्ट भी जोड़ने वाला हो मेरी ज़मीन जैसी प्लेन हो तो दूसरी भी ज़मीन प्लेन होनी चाहिए साइडों में तो ऐसा सिस्टम तो नहीं है क्यों एक साइड में एरिया प्लेन है सारा खेती हो रही है एक साइड में थोड़ा टिल्ले है तो इस टाइप की ज़मीन है जिस भाई को ये अगर मीठे पानी इसमें ट्यूबवेल बता रहा मालिक पानी मैंने पी के देखा है पानी है मीठा पानी ठीक है और इसमें चावल बो रखे इन्होंने अगर इसके अंदर कोई अगर किसी प्रकार की अगर ट्यूबवेल से अगर दिक्कत आई पानी तो अभी गग्गर का ही है और मीठा पानी है वैसे नहर का ये पानी तो क्योंकि पानी गग्गर के अंदर भी दो ट्यूबवेल इनके शिफ्ट की हुई है ताकि अगर वहाँ अगर पानी अगर कैनाल का चाहिए तो कैनाल का भी पानी मिलता है इसको और ये स्टैंडर्ड बीघा ही है जो बड़ा बीघा बोलते हैं ना स्टैंडर्ड 20 वाला वो बीघा है 165x165 का साइज रहेगा बीघे का और पूरा एरिया प्लेन है लगभग इसका तो आएगी ये मैंने आपको बता दिया भाव न पूछें सारी चीज़ जानकारी मिल गई है किसी को लेनी हो ना तो भी फ़ोन करें नहीं तो नहीं करें फ़ोन मेरे को फालतू में भाई लोगों से निवेदन हम फ़ोन से वैसे ही परेशान रहते हैं अब क्या यूरिया डालो हाँ सल्फर है इनको के काम है इंगमा अच्छा पौधा ने मजबूत करेगी फटवार करेगी थोड़ी ठीक है ठीक तो इनकी जड़ गड़े को नहीं गई मोहू तो पानी पड़े रहे तो कई क्या नहीं ज्यादा पानी भी खराब करे पानी सुटेबल पानी है क्योंकि ये घास उगा हुआ है बट्टों के ऊपर डोलियों के ऊपर तो पानी इसका मतलब अच्छा पानी है लो जी ये यूपी वाले भैया हैं ये जोना लगा रहे हैं जोने एक बीघे का जोना लगवा ये बता रहे हैं 3,000 रुपये लेते हैं जोना लगवाई के ये है पंजेरी इनकी पौधे तैयार की हुई है 20 दिन में तैयार हुई है ये जमीन है गंगानगर के सूरतगढ़ सिटी के पास में और जनरल कैटेगरी की ओपन रजिस्ट्री है कोई भी सदस्य ले सकता है कोई भी राज्य का हो
कोई इशू नहीं है, पंजाब हरियाणा कोई भी खरीद सकता है। 10 लाख रुपए कीमत है, स्टैंडर्ड बीघा है, बड़ा बीघा है, बिल्कुल प्लेन है, जोने वाली ज़मीन है, किसी को लेनी हो तो ले सकता है जी।